नमस्ते, मेरा नाम है रजत और दी ललन टॉप की टीम इस वक्त कैथल में है। हमारा चुनावी सफ़र चल रहा है कैथल, जो कपी स्थल से बना है। मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप राहुल गांधी के हनुमान थे, सदैव उनके साथ थे और उनको अकंपनी करते थे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। लोग बहुत से लोगों के बीच आपकी यही पहचान है कि आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। लेकिन इसके अलावा जो एक और पहचान है वो ये है कि ये कैथल से विधायक हैं, लगातार दो बार विधायक रहे हैं। उससे पहले इनके पिताजी यहाँ पर विधायक रहे। मैं जब कैथल पहुँचता हूँ तो मुझे आपके एक वोटर मिलते हैं। उन्होंने बोला कि 2004 में मेरी शादी होनी थी तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि कैथल कैसा है, तो मैंने कहा चाँद जैसा है। मैं समझ गया कि वो चाँद के दाग की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तब जो कैथल था वो चाँद के दाग के बराबर था, दाग जैसा था। 2014 में यहाँ पर सब सपाट सड़कें और बहुत सारा काम दिखता है। ये तो हुई आपकी तारीफ। फिर मैं एक और आपके वोटर से मिलता हूँ जो कि कैथल के रहने वाले हैं। वो कहते हैं 2009 से 2014 तक तो काम कराए खूब, इसी वजह से 2014 में जब बीजेपी की वेव चल रही थी तब भी आपको जिताकर भेजा, लेकिन 2019 में क्यों जिताएं? क्योंकि ना तो अब सेंटर में राहुल गांधी रहे और ना ही पिछले चार साल या पाँच साल में कोई आपका ऐसा कार्य उनको मोटे तौर पर दिखता है जिस वजह से आपको वोट दी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी तरीके से ना केवल कैथल बल्कि पूरे जिले से भेदभाव किया है। यहाँ दो भाजपा के विधायक हैं, एक गोलाचीका में थे और एक पुंडरी में थे, काम वहाँ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा में अवश्य जाइएगा। ये पहले मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के जिनका कोई पोस्टल एड्रेस उनकी विधानसभा में नहीं है। 3 साल तक तो इरिगेशन के रेस्ट हाउस पर कब्जा करे बैठे रहे। मैं वो सब समझ गया, लेकिन मैं आपके पिछले 5 साल में समझना चाह रहा हूँ, आपने ऐसा क्या काम कराया? 2014 तक तो आप दिखाते थे कि मैंने यहाँ पर ये पुल बनवा दिया, ये करा दिया, मैं चौक देखता हूँ, बहुत सारे चौक अच्छे चमके हुए, मैं किला देखता हूँ। 2014 से 2019 के बीच में ऐसा क्या काम कराया जिसको लोग याद रखें? 2014 से 2019 कैथल को एक और नई राष्ट्रीय पहचान मिली। भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे काम रोके। देखिए, कभी आप सत्ता पक्ष में होंगे, कभी विपक्ष में होंगे। अगर विधायक केवल इस नज़रिए पे बनाएं कि हर बार सत्ता पक्ष का ही बनेगा तो ना लल्लनटॉप होगा और ना प्रजातंत्र होगा, क्योंकि कोई विधायक विपक्ष का भी बनेगा और कोई विधायक सत्ता पक्ष का भी होगा, दोनों आवाज़ सुनी जाएंगी ना, तो प्रजातंत्र चलेगा, तो रजत को नौकरी चलेगी और तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहूँगा। बीजेपी ने यहाँ जो किया, 3 सड़कें फाड़ी थी खट्टर साहब ने, तीनों सड़कें 5 साल से 300 मीटर की वो बना नहीं पाए। एक किला है जिसको जिसकी आपने चर्चा की, उसकी दीवार यहाँ मुड़ गई थी, उस पर जो पक्षी बीट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो बीट साफ नहीं कर पाई। एक सिटी स्क्वायर जो पुराना बस अड्डा की जगह थी, एक खूबसूरत सिटी स्क्वायर का निर्माण मैंने शुरू किया था, यही 3 चीज़ पेंडिंग थी। वो सिटी स्क्वायर की धूल आज तक दुकानों के अंदर घुसती है, वो उसे पूरा नहीं, पूरा करवाना तो दूर की बात है, वहाँ जानवर पेशाब करते हैं, वो उस गंदगी को साफ नहीं करवा पाए। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? मैं आपसे दोबारा यही सवाल पूछूंगा, पिछले 5 साल में आपने क्या करवाया? आप ये तो बता रहे हैं उन्होंने क्या नहीं किया, उनकी वजह से क्या क्या हुआ, आपने क्या करवाया, आप प्लीज़ वो बताइए हमें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय मित्र, और जब जनता पार्टी की सरकार हो, दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो आप सरकार को आग्रह करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये काम जो हैं आपको करने चाहिए। सरकार में केवल सत्ता पक्ष का ही काम होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस ज़िले में 2 विधायक दूसरी पार्टियों के थे, हमने तो ज़िले के उस हिस्से में भी काम किया, क्योंकि आपको सबकी नुमाइंदगी करनी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी एक इलाके की नहीं, और ये जिम्मेवारी आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की थी। मुझे लगता है सवाल सही है, गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का खेल होता है। बीजेपी इस नारे के साथ उतर रही है 75 पहाड़, और जो आपने मुझे जवाब दिया कि बीजेपी स्टेट में थी, सेंटर में भी थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। लोग फिर से यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई, 75 ना से 50 ले गई, 60 ले गई,
और अगर हमने यहाँ से सुरजेवाला जी को जिता दिया तो कैथल का क्या होगा, और अगर बीजेपी की 25 आई तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब उसका भी जवाब, मतलब फिर तो हम मान के चलते हैं कि फिर से विकास होना चाहिए जैसा आपने पहले किया, अगर नहीं होता तो क्या होगा उस केस में। देखिए, ना आपको मालूम ना मुझे मालूम कि 21 तारीख का निर्णय क्या आने वाला है। ये बहुत सारे सवाल इफ और बट्स पे हैं, हाइपोथेटिकल हैं। 2009 की मैं आपको याद दिलाता हूँ, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, हरियाणा में हम 9 सीट जीते 10 में से लोकसभा चुनाव में जी। और हम, मुझे जहाँ तक याद है, 71 असेंबली सेगमेंट्स पर जीते जी। तो सबने कहा कि साहब अब तो ये जीत जाने वाले हैं, 90 दिन के बाद चुनाव है, लेकिन आप जैसे दूसरे मित्रों ने बीजेपी से सवाल पूछा, लोक दल से, तुम्हारी वोट क्यों दें क्योंकि सरकार तो इनकी बन रही है। हमारे MLA आए 40, 71 से हम 90 दिन में 40 पर गिर गए, क्योंकि कई बार पार्टियों को बहम हो जाता है। एक चुनाव वो जीत गए तो लगता है कि अब जनता जो है वो हमेशा उनके लिए वोट देगी। एक बात समझ लीजिए, लोकसभा का चुनाव डिफरेंट मुद्दे पर लड़ा जाता है, देश के मुद्दे होते हैं। विधानसभा का चुनाव जो स्थानीय चेहरे और स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर लड़ा जाएगा, वो बिल्कुल अलग मुद्दे होंगे। आज अमित शाह जी यहाँ आए, उन्होंने कैथल की कोई चर्चा ही नहीं की, और कैथल में एस्ट्रो टर्फ बनवाया है हॉकी का ये बताकर चले गए, हमें ये ज्ञान भी देकर चले गए कि हाँ नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज चलाया है, पर ना तो यहाँ कभी एस्ट्रो टर्फ आया ना कोई नर्सिंग कॉलेज आया। यहाँ तो जो स्टेडियम है सरकारी जो हमने बनवाए थे, ये तो उस पर ताला मार के उनके कोचेज भी ले गए हैं। तो एक तरफ ये हाल है, इसलिए ये किसी को मालूम नहीं कि किस पार्टी की सरकार आएगी। ये निर्णय हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग करेंगे। आपके पिताजी 77 और 82 में नरवाणा से जीत के आते रहे, 87 में नहीं जीत पाए, हैट्रिक रुक गई। आपका ये तीसरा चुनाव होगा, अगर आप जीत जाते हो तो आपकी हैट्रिक हो जाएगी, कितने आश्वस्त हैं उसे लेकर? देखिए, मैं ना हैट्रिक में विश्वास नहीं करता, वो क्रिकेट में है। जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो हैट्रिक में विश्वास है। मेरा विश्वास है कि आपको अपनी सेवा करनी है, और इलाकों में हमेशा वो एक इलाका हो या दूसरा इलाका हो, वो लीडर को चुनते हैं, क्योंकि इलाकों की पहचान लीडर से है और लीडर की पहचान इलाके से है। इलाके को ताकत, राजनीतिक ताकत, प्रशासनिक ताकत लीडर लेकर आता है, और इसी प्रकार से इलाका लीडर को ताकतवर बनाता है। ये एक टू वे ट्रैफिक है। अगर आप हैट्रिक की बात करें तो 3 बार कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत चुकी। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी भी महत्वपूर्ण है, और 3 बार लगातार यहाँ कांग्रेस जीती, वो मेरी वजह से नहीं जीती। कैथल के लोगों ने कांग्रेस को और हमारे काम को स्वीकारा, और एक लीडर को स्वीकारा और ये समझा कि वो बदल सकता है। मुझे लगता है कि मैंने बदलाव किया है, नेचुरली निर्णय जनता करेगी। आपकी पॉलिटिकल लेगेसी देखते तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। 17 साल में आप यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, 93 में नरवाणा से चुनाव लड़ते हैं ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ, हालांकि आपको हार मिलती है, लेकिन 96 में जीत कर आते हैं, 2000 में हार जाते हैं, 2005 में फिर जीतते हैं। आप पूर्व चीफ मिनिस्टर को 2 बार हरा रहे थे, फिर आप 2009 में कैथल लड़ते हैं, 2014 में कैथल लड़ते हैं, फिर आता है 2019 का जनवरी का महीना, आप जींद उपचुनाव में चुनाव लड़ने चले जाते हैं। वहाँ पर कृष्ण मिड्डा की जीत की इतनी जिक्र नहीं होती जितनी आपकी हार का जिक्र होता है। क्या फेलियर रहा आपकी? काफ़ी रिपोर्ट्स भी हमने बाद में पढ़ी कि हमें गुट देखने को मिलते हैं, हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है, आपने कुछ एनालाइज तो किया होगा क्योंकि इसी साल चुनाव थे, 8-10 महीने बाद, कहाँ चूक हो गई आपसे? देखिए, हमारी तो हार के भी चर्चे हैं जी, तो वो मैं उसे हार की भी जीत मानता हूँ। कम से कम रणदीप के भरोसे ही सही, शायद जींद में कुछ काम हो जाए। हालांकि जिस दिन मैं वहाँ से आ गया उसी दिन काम बंद हो गया, और उसी दिन मिड्डा साहब को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। बात बड़ी सीधी है, जींद की विधानसभा, आपने शायद आंकलन, मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई है, केवल इस बार या पिछली बार नहीं, उससे पिछली भी 3 बार शायद नहीं जीत पाई। जींद में कांग्रेस विधानसभा नहीं जीत रही क्योंकि हमारा संगठन और हमारा चेहरा अभी हम मजबूत नहीं पैदा कर पाए। मैं आपको
मुझे विश्वास है कि अगले 5 सालों में हम कर पाएंगे। लेकिन नरवाना के लड़के से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस क्या हो सकता था? देखिए, पार्टी का निर्णय है और जीन के लोगों का निर्णय है। उन्होंने निर्णय किया, हमने नतमस्तक होकर स्वीकारा, बात खत्म हो गई। पार्टी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तुम्हारी कुर्बानी चाहिए। मैंने जब भी पार्टी ने कहा, एक बार पार्लियामेंट की टिकट मेरी काट कर जयप्रकाश जी को दे दी, मैंने तब भी जयप्रकाश जी की मदद की, क्योंकि पार्टी आदमी से बड़ी है, आदमी पार्टी से छोटा है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। कई बार पार्टी कठोर हृदय निर्णय भी ले लेगी, कठोर निर्णय भी ले ले, जो मेरे प्रतिकूल निर्णय है वो भी ले ले, मैं हमेशा पीड़ा सह कर भी उसे स्वीकारता हूँ। तभी राजनीति और पार्टी चल पाती है और तभी संगठन बड़ा बन पाता है। मैं आज शाम को तेग बहादुर चौक पे खड़ा था तो वहाँ एक व्यक्ति जिक्र कर रहे थे कि आप जब जींद में चुनाव लड़ने गए तो आपने कहा कि अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ तो मैं कैथल की जो मेरी MLA की सीट है उससे रेजिग्नेशन दे दूंगा। उनका कहना था कि हमारे सम्मान को काफ़ी ठेस पहुंची है, जिस शख्स को हम 2 बार लगातार जिताते आए वो चुनाव लड़ने जींद चले गए और कैथल से उनका कोई लगाव नहीं था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है? आप मुझे बताइए, मैं रजत को कहीं चुनाव लड़ने भेजूं, वो वहाँ कहें कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं यहाँ रहूँगा नहीं, इस्तीफा देकर भाग जाऊँगा, उसके बाद आपको कोई वोट देगा? मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ। पार्टी ने मुझे ये कहा कि 5 महीने का समय है, हमें 5 महीने के लिए तुम्हारी कुर्बानी चाहिए। तुम 5 महीने के लिए अगर जीत जाओ तो वहाँ के विधायक रहो, नहीं तो तुम कैथल के विधायक हो। अगर मैं वहाँ से चुनाव जीत जाता और मैं इस्तीफा देकर आ जाता अगले दिन, तो आप सब कैमरा लेकर मेरे पीछे लगे होते और कहते ये धोखेबाज है, ये गद्दार है, ये वोट लेकर भाग गया है। फिर आपका प्रश्न इस तरफ से होता। बात बड़ी सीधी है, यहाँ उपचुनाव हो नहीं सकता था क्योंकि मैं यहाँ से विधायक था और 2 महीने के लिए उपचुनाव नहीं होता। पार्टी ने मुझे कहा तुम्हें कुर्बानी देनी है, मैं गया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत जाता तो 5 महीने वहाँ का विधायक रहता, ये सही बात है, और अगला चुनाव फिर यहीं से लड़ता जहाँ से अब लड़ रहा हूँ। आपके बारे में, आपके एरिया में घूमते हैं तो एक बात लोग खुश होकर बोलते हैं, पहले खुश होकर बोलते हैं, लोग कहते हैं कि अगर सुरजेवाला जी कहीं से गुजरते हैं और कोई व्यक्ति उन्हें बोलता है कि सुरजेवाला जी ने तुझे देखा तो वो आदमी काफ़ी खुश होता और बड़ा प्राइड फील करता है। लेकिन अगले ही क्षण जो बात आती है वो कहते हैं कि यार हमारे देश के तो प्रधानमंत्री भी कहीं बाहर जाते हैं तो फूल नीचे गिर जाते हैं तो फूल उठा के रख देते हैं वापस। जो वो जो गैप है लोगों के बीच में, जो कनेक्ट वाला गैप है, आपको लगता है वो गैप एक बड़ा मुद्दा है? सुरजेवाला अपने आप में कल्ट है। वो कल्ट इस लिहाज से है कि वो एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, लोग कहते हैं उनको अप्रोच करना इतना ईजी नहीं है उनके विधानसभा क्षेत्र में होने के बावजूद, आपको लगता है ऐसा? पहली बात तो सुरजेवाला कोई कल्ट नहीं है, वो एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता है। मैं इस बात को नहीं स्वीकारूंगा कि कोई कल्ट जो है, कल्ट जो है अहंकारी पुरुष या अहंकारी महिला भी हो सकती हैं वो प्रमोट करते हैं। मैं कल्ट नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो इस शहर में रहता हूँ, और सही है कि पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर सकूँ, बस इतना ही है। जहाँ तक सवाल है अप्रोच का, कृपया करके कल सुबह मेरे घर आइए, इसका इम्तिहान वहीं होगा, और कैमरा लेकर आइए और देखिए कि कितने लोग मिलने के लिए आएंगे। आपके घर का जिक्र भी लोग ऐसे कहते हैं कि किसान भवन में मंत्री जी वीकेंड्स पे ही मिलते हैं, 5 में से 4.5 साल वो हमें यहाँ पर नहीं दिखे। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? बिल्कुल ये ठीक बात है कि मैं हर शनिवार एतवार को किसान भवन में मिलता हूँ, और बाकी दिन किस जगह मुझे जाना चाहिए बताइए? शनिवार एतवार मैंने दिन निर्धारित किए हैं, 365 के 365 दिनों में 52 हफ्ते होते हैं, 52 के 52 हफ्तों में मैं शनिवार एतवार को आता हूँ। आप स्वयं कह रहे हैं, और आप स्वयं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये कह के कि मैं आता नहीं, या तो मैं आता हूँ या मैं नहीं आता, दोनों में से कौन सी बात सच है? नहीं, अगर 7 में से अगर 2 दिन में से भी सिलेक्टिव टाइम आप लोगों को दे रहे हैं और 5 दिन आपको दिखते नहीं, तो मुझे तो वो लैक दिखता है। आपको नहीं लगता वो लैक? मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं वर्षों से जी 2 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाता हूँ, 5 दिन अपना राजनीतिक कार्य करता हूँ। 5 बार मैं, आपने कहा आप 2 बार जीते, मैं 2000 का चुनाव भी चौटाला जी से जीता था,
फिर बाद में 800 वोट से उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया था और तीन बार मुझे वहाँ से इलेक्ट किया, दो बार यहाँ से इलेक्ट किया जी। तो मैं तब भी दो ही दिन आता था। अगर मैं 7 के 7 दिन यहाँ रहूँगा मित्र, तो मैं लोगों का काम कैसे करूँगा? तो मैं अगर यहीं रहे जाऊँगा तो फिर चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ से पैसा आएगा, जहाँ से नीति निर्धारण होगा, शायद आपको विधायक के काम की मुझे नहीं पता कि कितना अंदेशा है। लोगों को काम कैथल में नहीं है, लोगों को काम चंडीगढ़ और दिल्ली में है। वहाँ से जो पैसा आया, ये तरक्की वहाँ से हुई, ये तरक्की कैथल के पैसे से नहीं हुई है, ये तरक्की हरियाणा के बजट से हुई और यहाँ आधा पैसा भारत सरकार के बजट का आया हुआ है। एक चीज़ जो लोगों को थोड़ा आपसे गिला शिकवा है, जो मैं तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर घूमा हूँ, और आप इसको ऐसे मत लीजिएगा कि अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं किसी एजेंडा के साथ आया हूँ, क्योंकि मैं लीला राम जी का भी इंटरव्यू करके आया, तो मैंने उनसे वो सवाल किए जो लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि फरवरी 2016 में जाट एजिटेशन के चक्कर में काफ़ी तोड़फोड़ होती है, बस जला दी गई, यहाँ पर सैनी समोसा वाला उसकी दुकान जला दी गई, 21, 22 और 23 को सुरजेवाला जी कहीं नज़र नहीं आए। वो इतना बड़ा जाट फेस थे, अगर वो शहर में आके कह देते कि ये मेरे लोग हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो कोई हाथ ना लगाता। तो एक तरफ से तो वो आपकी पावर दर्शाता है, और एक तरफ से वो फेलियर भी दिखाता है कि उन तीन दिन सुरजेवाला जी क्यों नहीं आए, और ऐसा क्यों होता है कि जब 21 तारीख को सैनी समोसे वाले की दुकान जला दी जाती है तो सुरजेवाला जी उनके घर 25 तारीख को पहुँचते हैं उनका हाल चाल जानने। इसलिए कि 21, 22, 23 तारीख को हरियाणा में कर्फ्यू था, ये पर आपको कोई नहीं बताएगा, और ये आपको ज़रूर बताना चाहिए अपने दर्शकों को। और दिल्ली से हरियाणा आने का रास्ता बंद था और चारों तरफ फायरिंग हो रही थी, वो फायरिंग जिसकी मैंने चर्चा की। 24 तारीख की शाम को ट्रैफिक खुला, 24 की शाम को मेरे पास संयोग से हेलीकॉप्टर नहीं है, उसकी सुविधा भी नहीं है कि मैं उसे यहाँ लैंड कर सकता था। मैं उस दिन दिल्ली में था जब ये मामला हुआ। 24 को ट्रैफिक खुला 3 बजे, मैं यहाँ पर पहुँच गया 7:30 बजे। 7:30 बजे आकर मैं हर साथी के पास गया, जिस साथी की जो मैं सांत्वना दे सकता था, जो भरपाई कर सकता था वो की। पर काश लीला राम जी से आप ये भी पूछ पाते कि वो कहाँ थे जब ये हो रहा था, काश आप ये भी पूछ पाते भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब से कि क्या उन्होंने कभी सैनी समोसे वाले को कोई मुआवजा दिया, क्या उस साथी को मुआवजा दिया जिनकी दुकान इसलिए जला दी गई कि वहाँ पर रणदीप का पोस्टर लगा हुआ था, उनका नाम सुभाष सैनी है, सबसे पहली दुकान इन्हीं की तोड़ी गई क्योंकि उसे मार्क कर दिया गया कि यह रणदीप सिंह सुरजेवाला के आदमी की दुकान है। वहाँ पहले पोस्टर को आग लगाई गई, फिर वो पैम्फलेट्स फाड़े गए और फिर दुकान में तोड़फोड़ की गई। एक फूटी कोड़ी मुआवजा सरकार ने दिया नहीं, और जुम्मेवार हम, 60 लोग उन्होंने मार दिए, जुम्मेवार हम, मूर्तियों के सर वो काटें और जुम्मेवार हम, कत्ल वो करें और जुम्मेवार हम, ये बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, आप अपने बोलने के लिए काफ़ी फेमस हैं, लोग कहते हैं कि एक होती है चीनी, एक होता है गुड़ और फिर होती है चाशनी, तो रणदीप सुरजेवाला जी जो है वो चाशनी के बराबर हैं, काफ़ी बोलते हैं, अपने बोलने के लिए काफ़ी फेमस हैं, हम डिबेट्स में भी देखते हैं, तो उनको कहा जाता है कि हिंदी बोलिएगा बोलचाल वाली, इतनी स्ट्रिक्ट हिंदी ना बोलिएगा कि समझ ना आए, आपको इतनी समझ है। आपके बोलने का जहां इतना जिक्र होता है, वहीं पर एक रिपोर्ट आती है और कहती है कि पिछले 5 साल में आप विधानसभा में एक बारी भी नहीं बोले कैथल के लिए। कृपया करके दोबारा चेक करिए, मैंने आज ही सुबह न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ी है, ये हर अखबार की रिपोर्ट जी और हर टेलीविज़न की रिपोर्ट, काश सच्ची होती तो लोग मोदी भक्त ना बनते। इसलिए थोड़ा थोड़ा कम से कम, मुझे मालूम है आज तक भी बहुत प्रेशर में रहता है ललनटॉप भी। सर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो जैसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप कल देखेंगे मैंने लीला राम से भी ऐसे ही सवाल पूछे। मैं लीला राम जी से मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, लीला राम जी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, काश नरेंद्र मोदी जी के इतने दबाव में आप ना होते, कभी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स निकलवाइए, और अगर आप गलत हैं तो आप एक सार्वजनिक माफ़ी जारी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, हम उस कटिंग के साथ हम एक सार्वजनिक माफ़ी लेंगे, एक कटिंग दिखाएंगे जिसके तहत मैंने आपसे सवाल करा, मैं तो आपसे नहीं, अखबार की कटिंग, क्योंकि मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं माइक दूर कर लिया,
नहीं नहीं, मैं आपको माइक दूंगा सर, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसलिए मैं क्लेम नहीं कर रहा कि ऐसा ही हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे चर्चे होते हैं, न्यूज़ आती है कि आपने एक बारी भी नहीं बोला। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, यही सबसे अच्छा तरीका होगा मेरे ख्याल से। मैंने जर्नलिज्म में आप इससे अच्छा और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जिसकी खबर है उसी से पूछा जा रहा है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि कृपया करके आप किसी अखबार की कटिंग के नाम पर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। विधानसभा की प्रोसीडिंग छपती हैं, कृपया छपी हुई प्रोसीडिंग सार्वजनिक हैं। अगर आप गूगल ही कर लेते ना जी, और ललनटॉप तो डिजिटल मीडिया है जी, तो भी आपको पता चल जाता। ठीक है सर, मैं अपनी गलती भी मान लेता हूँ, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो वो भी ज़रूर होगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल, कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी हरियाणा में चीज़ें डिसाइड करने में। हुड्डा को नेतृत्व दिया जाता है एक बार फिर से, शैलजा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है, तंवर कांग्रेस छोड़ जाते हैं। और इन चुनावों से पहले जहाँ एक तरफ लोग सोच रहे थे कि सुरजेवाला 2019 के चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस का फेस हो सकते हैं, उसके बाद ट्रिब्यून में रिपोर्ट छपती है, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, आप बता सकते हैं वो गलत है, ठीक है, उनका कहना था कि 60 के आसपास की जो सीटें थी वो हुड्डा खेमे से गई, 12 सीटें शैलजा खेमे से गई, 5 किरण चौधरी के खेमे से गई, सुरजेवाला जी का नाम वहाँ नहीं मिलता है। जो एक बार सोच रहे थे पूरी स्टेट संभालेंगे, सुरजेवाला जी उस पूरी स्टेट में कहीं खो गए। राहुल गांधी जी के जाने से फ़र्क पड़ा, क्योंकि कहा जाता है हुड्डा साहब जो हैं वो सोनिया गांधी के क्लोज हैं, तो क्या वो चीज़ भी असर करी। दूसरी चीज़, राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आ रहे क्योंकि वो विदेशी दौरे पर हैं। आपका कहना है कि मीडिया वालों को राहुल गांधी के विदेशी दौरों में बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन इंटरेस्ट क्यों ना रहे जब आपके पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो प्रचार करने क्यों नहीं आ रहे। दो सवाल हैं, आप प्लीज़ जवाब। आपने 5 पूछे पर मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो फिर आपके तथ्य शायद गलत हैं। आज तक ही देख लेते अगर आप, तो आज राहुल गांधी जी की खबर चल रही थी कि वो गुजरात में मौजूद हैं। यही समस्या है मित्र। सर चुनाव कहाँ हो रहे हैं? चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में हो रहे हैं। पहले आप ही की पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि वो विदेशी दौरे पर जाएंगे, उसके बाद आकर स्टेट में आएंगे। 10 दिन चुनाव को नहीं बचे हैं, वो गुजरात में बैठे, मुझे नहीं पता गुजरात में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसका भी जो रिजल्ट है वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा से दूर क्यों हैं अभी तक। मुझे लगता है कि वन वे कन्वर्सेशन हो रही है। आपने 5 मिनट सवाल पूछा, मैंने शायद 12 सेकंड भी जवाब नहीं दिया, आपने फिर 2 मिनट सवाल पूछा। आप बोलिए, तो अगर आप बोलना चाहते हैं वन वे तो मुझे ऐतराज नहीं। मैं आपको सुनने आया हूँ, आप बोलिए। मैंने ये कहा कि अगर लल्लन टॉप ही अगर आप देख लेते आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपने ये सवाल किया था, प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए कि राहुल गांधी तो विदेशी दौरे पर है। मैंने स्टेटमेंट का जिक्र किया। आपकी ये बिल्कुल वैसी चीज हो गई जैसे कहते हैं कि मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के कुछ पेश कर देते हैं, अभी आप वैसे मेरी टर्म ले रहे हैं। वैसे नहीं लगता कि आप मुझे बोलने देंगे। नहीं नहीं सर, आप बोलिए, प्लीज बोलिए, क्योंकि आप बोलने नहीं देंगे, आपने आज निर्णय किया। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप प्लीज बोलिए। देखिए, अगर आपकी गलती पकड़ी गई तो इसमें बुराई क्या है स्वीकार करने में। आप अगर लल्लन टॉप का डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल लेते तो राहुल गांधी विदेशी दौरे पर नहीं है मित्र, वो तो हिंदुस्तान में है, तो आप ये सवाल ही नहीं पूछते। शायद आप सारा दिन से कैथल में, इसलिए आपने ना आज तक देखा और ना ललन टॉप का डिजिटल न्यूज देखी। सर मैं आपके लोगों से मिलने में बिजी था, जो आपके वोटर्स हैं जी। तो राहुल गांधी, और इसे अब काटिएगा मत, इसे एज इट इज दिखाइए, जितने मिनट का होगा एज इट इज चलाएंगे, चिंता मत करिए। तो राहुल गांधी हिंदुस्तान में है, तो पहले आपके बाकी के सवाल का अब कोई मायना रह नहीं जाता। नहीं, राहुल गांधी हरियाणा महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? देखिए, अब अगर ऐसा है, मैं क्रिमिनल नहीं हूं जिसे आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, कम से कम या तो अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देने की मोहलत दीजिए। मैं ना अपराधी हूँ ना आप जज हैं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप मुझे कुछ, या आप गिन लीजिए कि आप इतने मिनट बोले हैं, मुझे कुछ सेकेंड का जवाब देने का मौका दीजिए। आप बोलिए। तो पहली बात तो यही, आप गलत हैं कि राहुल गांधी विदेश में हैं। लल्लन टॉप और आज तक दोनों दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में हैं, आज उनको कवर किया है। जहां तक उनके हरियाणा के दौरे का प्रश्न है, उनका प्रोग्राम बन रहा है, अभी लोग नॉमिनेशन ख़त्म करके हटे हैं और अब धीरे धीरे पब्लिक मीटिंग शुरू होंगी। राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, 14 तारीख को वो हरियाणा में होंगे। उनका कार्यक्रम डिस्क्लोज करना मेरा कर्तव्य नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं, पर क्योंकि आप इतना जोर से क्लेम कर रहे हैं कि वो कभी नहीं आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि
कि वो 14 तारीख को हरियाणा आएंगे, 13 तारीख को महाराष्ट्र जाएंगे, दोनों जगह कैंपेन करेंगे। तो एक तो आपकी जिज्ञासा यहीं शांत में कर देता हूँ। दूसरा, आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी बदलाव किया। अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री बन गए और उन्होंने इन तीन प्रांतों के चुनाव से पहले नड्डा साहब को बना दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये उनका गलत फैसला है? ये तो उनकी पार्टी का फैसला है। उनकी पार्टी का फैसला या मोदी जी करेंगे या अमित शाह जी करेंगे। हमारी पार्टी का संगठन का फैसला सोनिया जी और बाकी की लीडरशिप करेगी। उन्हें किसको बनाना है ये पार्टी का निर्णय है। हमें ये, मुझे कम से कम ये स्वीकार्य है कि जो वो निर्णय करें, हमको पार्टी को आगे बढ़ाना है। एक निर्णय हुआ, उससे हम आगे बढ़ गए, बात खत्म हो गई। आपने बोल लिया, मतलब ये मेरी क्लोजिंग ही थी। आप कुछ और बोलना चाहते हो तो आप बोल लीजिए, मतलब आप ये ना सोचेगा कि मैं किसी एजेंडे के तहत आया हूँ। आप कुछ और बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं मैं आपको, क्योंकि मैं सुनने के लिए ही आया हूँ आपको, तो आपको ऐसा ना, मैं इंटेरोगेट नहीं कर रहा है ना। और अगर आपको इनकेस आपको लगा हो कि मैं कहीं इनसेंसिटिव हूँ तो उसके लिए माफ़ी। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है तरुण। इस वक्त आप दी ललनटॉप का चुनावी सफ़र देख रहे हैं। इस वक्त हम कैथल में हैं और आपको 2019 के चुनाव के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया।